बहुत दिनों बाद ऑटो से आज घूमने का मौका मिला। ऑटो से हम लोग जू जा रहे थे और ऑटो वाले भैया पूरे बातचीत के साथ जू के रास्ता में हम लोग को ले जाने का कोशिश कर रहे थे। बीच में बहुत सारी ट्रैफिक भी आई, लेकिन ऑटो वाले ने अपना प्रश्न नहीं छोड़ा और टेम्पू अपना चलाते रहे। वो फुल पिकअप में अपना ऑटो चलाते रहे, सीएनजी को पेट्रोल समझ के पूरा एक लीटर देते रहे, और मुझे अलग मज़ा आ रहा था ऑटो में बैठ के बहुत दिन के बाद। कितना हो गया? 45 तीन आदमी 45 दे दीजिए 45 भैया जी को दिन में ही नींद आ रही थी, अगर आई ले रहे थे। तो फाइनली हम लोग जू पहुंच गए। एंट्री गेट पे ऐसी भीड़ देख के ऐसा लग रहा था कि आज के बाद जू खुलेगा ही नहीं। इतनी सारी भीड़ देखने के बाद लग रही थी कि जू दूसरे दिन खुलेगा ही नहीं। क्या बोल रहे थे बोलिए 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 बोलिए। एक ठो पार कर लेने के लिए बोल रहे थे। कहाँ से? यहाँ से हाँ, एक ठो कछुआ पार कर लेने के लिए। हाँ सब कोई एलेक्स ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है,